अपवाद एक दो हो सकते हैं, बाकी सब लोग कहीं ना कहीं कोई जेडीयू के संपर्क में, कोई और पार्टी के संपर्क में, कुछ लोग मेरे संपर्क में भी हैं ही, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि जेडीयू अब समाप्त लगभग हो चुकी है। जेडीयू की नैया पर सवार होकर के चुनाव की बैतरणी पार नहीं करना संभव है, तो सब लोगों ने अपना अपना कनेक्शन लगा कर रखा है, तो इसमें अस्वाभाविक क्या है? सुशील मोदी जी ने कहा है तो ठीक ही कहा है। 90% लोग जो संपर्क में हैं, और अगर वो आते हैं तो बिहार बीजेपी में विद्रोह हो जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना है नीतीश जी को लेने। अभी तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन जेडीयू के अंदर की स्थिति के बारे में मोदी जी ने कहा है वह बिल्कुल ठीक कहा है। जेडीयू के अंदर बिल्कुल एकदम सब लोग कहीं ना कहीं संपर्क। आप माना कि बड़ी टूट होगी जल्द? देखिए, एक बार टूट हो न हो, टुकड़ा टुकड़ा में हो, लेकिन टूट निश्चित है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। यहां चले हैं बीजेपी को हरा रहे हैं कि सब अभी और लोगों को एकजुट करेंगे, सबको साथ लाएंगे। देखिए, नीतीश जी अब गलतफहमी के शिकार हो गए हैं ऐसा लगता है उनके बयानों से। आरजेडी के नेतृत्व में नीतीश जी जब से चलना शुरू उन्होंने किया है तब से उनकी पार्टी ही समाप्त है, उनका जनाधार उनके साथ नहीं। ऐसी स्थिति में नीतीश जी जो भी दावा करें इसका कोई मतलब नहीं। आपको लगता है कि आरजेडी के साथ भविष्य नहीं है बिहार में? बिल्कुल नहीं है। आरजेडी के साथ न तो नीतीश जी की पार्टी का भविष्य है और न बिहार का भविष्य है, जो बार बार हम बोलते रहे। आपकी बात हो गई है सर, एनडीए में जिस तरीके से लग रहा है एनडीए में तो हम हैं ही, बताने का कहाँ मामला है। एनडीए में तो ऑफिशियल हम बोल चुके हैं कई बार, एनडीए में तो हमारी पार्टी शामिल हो गई। आप लोग की तरफ अभी सीट अब वो तो अलग विषय है, कब होगा बताएं। डिमांड रहेगी क्या?